शुरू। नमस्कार हीरल जी, बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पर आए। आपसे थोड़ा सा सवाल पूछने थे हमको। आज आप यहाँ पर पूरे दिन कॉन्फ्रेंस में रहे, आपने कुछ सेशन अटेंड भी किए, कुछ प्रेजेंट भी किए, आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग आते रहते हैं IDC में, पिछले 3 साल से आते हैं जी। और हम मैं खुद कोएजन फाउंडेशन ट्रस्ट से हूँ, गुजरात से हूँ, और हमारा एक लार्जर नेटवर्क है विमेन एंड लैंड ओनरशिप का। तो आज हम पूरे 9 लोगों की टीम पूरी अलग अलग जिलों से आई है गुजरात से, और आज हम कहीं भी अटेंड नहीं किया, एक्चुअली हमारे ही सेशंस थे। तो सबसे पहला जो हमारा सेशन था वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के ऊपर था, और सुबह का जो सेशन था, और दोपहर के बाद हमारा सिंगल वुमेन लैंड राइट्स और ट्राइबल वुमेन के लैंड राइट्स के ऊपर था। तो कल से हम अटेंड करेंगे तो थोड़ा हमको और ज्यादा आइडिया। अगर हम आज ये प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, ILDC जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बहुत अलग अलग लोगों को मिलना होता है, पॉलिसी लेवल, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और हमारे जैसे जो हार्डकोर ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, और सब मिलके जो सोचते हैं और सब एक प्लेटफॉर्म के जो आते हैं, तो एक दूसरे को मिलना ये होता है। जनरली काम के दरमियान ये सब मौका नहीं मिलता, और हम लोग बहुत ग्रास रूट वाले लोग हैं, तो हमको ऐसे मौके नहीं मिलते कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे मिले। तो वी मेक इट अ पॉइंट एवरी ईयर वी कम हियर एंड डू नेटवर्किंग। अगर हम लैंड गवर्नेंस का जो इशू है उसको अगर देखें, तो आपके हिसाब से मेजर चैलेंज आप क्या पॉइंट आउट करना चाहेंगी? हमारा फोकस इज वुमेन्स लैंड, तो सबसे बड़ा फोकस हमारा वही है कि महिलाओं के नाम पे जमीन करना तो बड़ी मुश्किल है, और उसके लिए सिर्फ सिस्टम्स जवाबदार नहीं है, पर ये जो पैट्रियार्की पूरी जो सिस्टम है उसके लिए भी काम करने की जरूरत है, तभी वो लैंड महिलाओं के नाम होगा। अगर जाते हुए एक सवाल था कि अगर आप कोई एक बड़ा आइडिया आपके हिसाब से अगर शेयर करना चाहें कि जो आपको लगता है कि आगे राह दिखाएगा हमें, वो क्या आइडिया होगा अगर हमको इस इशू से एड्रेस करना है? हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत आइसोलेशन में काम करते हैं, जो गांव में काम करते हैं वो तक गांव तक या ब्लॉक तक हम सीमित रह जाते हैं, पर हमको लार्जर नेटवर्क्स के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, सरकार की पॉलिसीज का भी हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, और हमको जो कॉर्पोरेट्स हैं जिसके लिए भी लैंड राइट्स कॉर्पोरेट्स के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, पर हमारे जैसे लोगों को एक नेटवर्क में आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तभी हम वो एक्विजिशन के मुद्दे को भी एड्रेस कर सकते हैं, और जिसको ज़रूरत है ज़मीन की, जिसको किसानी की ज़रूरत है, उनके लिए ज़मीन का हम बचा सकते हैं। ये नेटवर्क में आना बहुत ही बड़ी बात है। आई थिंक ये इसके साथ हम ये इंटरव्यू भी एंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।